करेंगे राइट शेयर, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राइट शेयर को रेगुलेट करता है सेक्शन 62। राइट शेयर को रेगुलेट करता है सेक्शन 62। कोई मुझे बताएगा, किसी ने सुना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट शेयर? ये शब्द जरूर आपने सुना होगा अपने अकाउंट्स में। कोई बता, टैक्स में सुना है मैंने तो। हाँ बोलिए। ओके ठीक है, क्या राइट शेयर ही होता है कि ना हम अपने शेयर को भी ना दूसरों ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैं कंपनी में मतलब शेयर होल्डर हूँ, तो मैं अपने जो मतलब जो मेरा राइट है ना शेयर का, तो मैं किसी और को भी मतलब उसको दे सकती हूँ। मतलब नाम तो मेरा ही चलेगा कंपनी में, मतलब एज ए शेयर होल्डर, बट जो मालिक होगा वो होगा शायद। नहीं, नहीं। और एनीवन एल्स, और कोई जब पढ़ के मैं पढ़ाता हूँ, कोई और कुछ बताएगा? चलिए देखो, राइट शेयर, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार, ठीक है? अभी कंपनी क्या करती है, व्हेनेवर कंपनी वांट्स टू इशू फर्दर शेयर्स, ठीक है? फर्दर शेयर्स का मतलब क्या? देखिए, जैसे क्या होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी होती है, राइट? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी होती है, ठीक है? क्या ये ज़रूरी है क्या कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल में जितने शेयर्स हैं वो इनकॉर्पोरेशन के समय पे ही कंपनी को इशू करने, इज इट नेसेसरी? नो मैम, नहीं मैम, बाद में कंपनी इशू कर सकती है, जब भी कंपनी चाहे फर्दर शेयर्स इशू कर सकती है। फर्दर मतलब और शेयर इशू करना, पर क्या कंपनी कभी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल के बियॉन्ड जाके शेयर इशू कर सकती है? नो मैम, नहीं कर सकती ना। कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल के बियॉन्ड जाके शेयर इशू नहीं कर सकती जब तक कि हम कैपिटल क्लॉज को अल्टर न कर ले। तो बेसिक प्रोविजन की बात करें, ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर कंपनी शेयर इशू कर सकती है, और जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कैपिटल क्लॉज में लिखे होते हैं मैक्सिमम कंपनी उतने शेयर इशू कर सकती है, ठीक है? अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि कंपनी के कैपिटल क्लॉज में लिखे हुए थे 10,000 शेयर्स। मैम, यस बोलिए नितिन। मैं एक बार टॉपिक बता दोगे, मैं लेट हो गया थोड़ा सा। हम राइट शेयर पढ़ रहे हैं सेक्शन 62, सिक्स चैप्टर में। ओके मैम, ठीक है। 10,000 शेयर है 10 रुपए वाले, और 1,00,000 ये मेरे ऑथराइज्ड कैपिटल का नरेशन है, यानी कंपनी मैक्सिमम 10,000 शेयर इशू कर सकती है, ठीक है? अब कंपनी ने अभी तक केवल 7,000 शेयर इशू करके रखे हैं। कितने इशू करके रखे हैं? ऑलरेडी इशूड 7,000 शेयर्स। क्या कंपनी 3,000 शेयर कभी भी और इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है मैं। कर सकती है। तो जब भी कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद में जब भी ये 3,000 शेयर इशू करेगी, हम इसे कहेंगे कंपनी ने फर्दर शेयर्स इशू किए, फर्दर और शेयर्स इशू किए, ठीक है? बट ये मस्ट बी विद इन दी लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, राइट? मस्ट बी विद इन दी लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है? अब अगली बात, जब भी हम ये कहेंगे कि कंपनी फर्दर शेयर इशू करेगी, फर्दर शेयर्स इशू करने से कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, शेयर इशू करने से कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल इंक्रीज होगी या नहीं होगी? यस मैम, होगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब जब इशूड शेयर्स को लोग खरीदते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है? तो क्या बोला कि जब भी कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है बाय इशूइंग फर्दर शेयर्स, कंपनी फर्दर शेयर इशू करके जब भी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहेगी, सिंपली हम इसे राइट शेयर कहेंगे। यानी व्हेनेवर कंपनी इज इशूइंग शेयर्स,
ठीक है, फर्दर शेयर्स कंपनी इशू कर रही है ऑथराइज कैपिटल की लिमिट के अंदर, हम इसे कहेंगे इट इज अ राइट शेयर, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट शेयर। ठीक है, अब ये कंपनी राइट शेयर देती किसको है, कंपनी अपने राइट शेयर खरीदने का अधिकार किसको देती है? शेयर होल्डर को अपने। तीन ऑप्शंस हैं, शेयर होल्डर्स हैं, नहीं, सेक्शन 62 ये कहता है कि कंपनी अपने राइट शेयर्स इन तीनों में से, सेक्शन 62 ए क्लॉज बी क्लॉज सी, किसी को भी दे सकती है। मतलब या तो कंपनी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी राइट शेयर ऑफर करेगी कि तुम खरीद लो, अदरवाइज एम्प्लॉइज राइट शेयर्स, कि मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले राइट मिलता है कि अगर कोई नए शेयर इश्यू हो रहे हो तो कि पहले आप सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर लो। लेकिन केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं मिलता, ऐसा आप बोलचाल की भाषा में बोलते हो या ओवरऑल कहीं पढ़ा है, या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ऐसा हुआ करता था, बट एट प्रेजेंट जब भी कंपनी राइट शेयर ऑफर करती है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर सकती है, या अपने एम्प्लॉइज को कर सकती है, या एनी अदर पर्सन, कंपनी के पास चॉइस है, इनमें से कंपनी किसी को भी राइट शेयर ऑफर कर सकती है, इधर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज अंडर इसॉप, अभी हम पढ़ेंगे इसॉप क्या होता है, या फिर एनी अदर पर्सन, इन तीनों में से किसी को भी कंपनी अपने शेयर्स ऑफर कर सकती है, तो हम इसे कहेंगे राइट शेयर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कंपनी सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट शेयर ऑफर करती है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मीन्स एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, हम सब उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी अभी क्या करना चाहती है, कंपनी और शेयर लेके आना चाहती है, तो कंपनी के पास चॉइस है कि वो, चॉइस है, ज़रूरी नहीं है हमें पूछे, चॉइस है कंपनी को कि वो हमें पहले पूछे कि क्या आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो क्या। ठीक है, और अगर हम कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे और हमने वो कंपनी के शेयर खरीदे तो बोला जाएगा कि हमने कंपनी के राइट शेयर खरीदे। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी जब शेयर ऑफर करती है इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख और कंपनी राइट शेयर ऑफर लेके आ रही है 1 लाख शेयर्स का, कितने 1 लाख शेयर कंपनी राइट शेयर की तरह इशू करना चाहती है, कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए है और बबलू के पास 20,000 रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल है। ठीक है, बबलू के पास कितनी पेड अप शेयर कैपिटल है, 20,000 रुपए की। ठीक है, तो बबलू को कितने राइट शेयर मिलेंगे, जब 50 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल पे 1 लाख का राइट ऑफर है तो 20,000 की पेड अप शेयर कैपिटल पे कितना मिलेगा, दिस इज द प्रपोर्शन, इस प्रपोर्शन में कंपनी राइट शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है। और ऑफर करने का तरीका क्या, उनको कंपनी एक ऑफर लेटर भेजती है, ऑफर लेटर, किस बात का ऑफर लेटर, कि हम राइट शेयर ऑफर कर रहे हैं, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो बता दीजिए। ठीक है, इस लिस्टेड कंपनी होगी तो अपना जितना राइट शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स और किस प्रपोर्शन में वो देना चाहती है, वो स्टॉक एक्सचेंज, एसई स्टैंड्स फॉर स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करेगी, लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करना है। ठीक है, अब जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर दे रही है तो उनको क्या देगी, ऑफर, और ऑफर देने का तरीका होता है नोटिस, एक नोटिस के थ्रू उनको ऑफर देगी। ठीक है, नोटिस के थ्रू उनको क्या ऑफर देगी, नोटिस में क्या क्या लिखा होगा, ऑप्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन, जबरदस्ती नहीं है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर आप राइट शेयर लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शन देगी और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने एग्जिस्टिंग मतलब कितने राइट शेयर कंपनी ऑफर कर रही है ये भी बताएगी। ठीक है, टाइम
विद इन 15 डेज मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफर, यानी ऑफर की डेट से जिस दिन कंपनी ने ऑफर दिया है उससे कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, इतने समय के लिए वो ऑफर देगी कि भाई आप अपना जवाब दे दो। कम से कम 15 दिन का समय देगी जवाब देने के लिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का समय देगी कि इतने समय में आप बता दो आप ये राइट शेयर लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, अगर इतने समय के अंदर आपने हाँ का जवाब नहीं दिया, मतलब जितना समय आपको नोटिस में लिख के दिया गया था, बींग अ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ना बोल दिया है। अगर आप देखिए ना कर दें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समय सीमा में हाँ भी नहीं किया तो भी माना जाएगा आपने राइट शेयर के लिए ना कर दिया है, आप अब वो राइट शेयर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हो। ठीक है, अनलेस AOA प्रोवाइड अदरवाइज, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई बात अदरवाइज लिख दी है तो और है, अगर AOA में कुछ भी अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, तो इस नोटिस में एक और स्टेटमेंट भी होगा। किस बात का स्टेटमेंट भाई? एक तो ये ऑप्शन दिया गया कि आप ले लो, या फिर एक और स्टेटमेंट होगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आप अपना राइट शेयर नहीं लेना चाहते हो तो आप अपना ये अधिकार किसी दूसरे के फेवर में रिनाउंस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी की एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास नोटिस आता है कि सोनल अगर आप राइट शेयर लेना चाहते हैं तो ले लें, मैंने मना कर दिया मैं नहीं लेना चाहती, बात खत्म। लेकिन एक और बात उसमें लिखी हुई थी कि सोनल अगर आप अपना ये राइट किसी दूसरे के फेवर में रिनाउंस करना चाहते हो, रिनाउंस करना मतलब त्याग देना, अगर किसी दूसरे के फेवर में रिनाउंस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपना राइट बबली के फेवर में रिनाउंस करना चाहती हूँ। बबली कौन? एक्स वाई जेड कोई भी हो सकती है, मेरी दोस्त, मेरी रिश्तेदार, मैं नहीं जानती हूँ, कंपनी की एग्जिस्टिंग मेंबर, कोई भी व्यक्ति वो हो, मैं अपना राइट उसके फेवर में रिनाउंस कर सकती हूँ। राइट रिनाउंस करने का मतलब मैंने मेरा राइट उसके फेवर में त्याग दिया, इसका मतलब मैं अब वो राइट शेयर सब्सक्राइब नहीं करूँगी, मेरी जगह वो व्यक्ति राइट सब्सक्राइब करेगा जिसके फेवर में मैंने राइट रिनाउंस किया है। अब ये रिनाउंसिएशन पार्टली और होली दोनों हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास 1000 शेयर का राइट ऑफर आया था, या तो मैं पूरा का पूरा राइट रिनाउंस कर दूं, या 500 शेयर मैं खरीद लूं और 500 का राइट रिनाउंस कर दूं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑफर बाय नोटिस एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और अगर आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया या डिक्लाइन कर दिया बाय अर्लियर इंटीमेशन, अर्लियर इंटीमेशन का मतलब खुद से चिट्ठी का जवाब दे दिया कि भाई हम तो राइट शेयर नहीं लेना चाहते, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको जैसे चाहे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इन शेयर होल्डर, इन फेवर ऑफ शेयर होल्डर्स इन कंपनी। मतलब तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको चाहे उसको वो जैसा चाहे वैसे वो शेयर्स दूसरे को दे सकते हैं। जब भी कंपनी ये नोटिस भेजेगी, राइट शेयर ऑफर करने का नोटिस भेजेगी, या तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा होना चाहिए, स्पीड पोस्ट के द्वारा होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा होना चाहिए टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। और जिस दिन कंपनी का ये ऑफर ओपन हो रहा है, इशू ओपन होने का मतलब जिस दिन से सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलेगी, जिस दिन से आप शेयर एप्लीकेशन लगा सकते हो एज अ फॉर राइट शेयर, उसके 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले ये ऑफर उन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास आ जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ के देखिए, कोई डाउट होता है तो पूछिए। ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को नोटिस, इसको रीड करके देख लीजिए, और कोई भी तरीके का डाउट होता है तो प्लीज आस्क। मैम मैं भी ना यही बोलना चाहती थी, आपने बोला था ना जो अपना राइट किसी और को दे देता, आप किसी और तरीके से बोल रहे थे, आपने बोला वो व्यक्ति ओनर होगा। जी मैम, ओनर। हाँ मैम, मैंने यही पढ़ा था वो इनकम टैक्स में ना, तो क्या वो राइट हमें दे देता, पर जो शेयर होल्डर है ना उसका नाम ही चलता है कंपनी में, ऐसे पढ़ा था। नहीं, वापस पढ़ के देखिएगा। मैम एक बार रिनाउंसिएशन वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा। रिनाउंसिएशन का मतलब होता है अपना राइट
मतलब देखिए मुझे किस चीज़ का राइट मिला, मुझे इस चीज़ का राइट मिला कि मैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, तो कंपनी दूसरों को शेयर ऑफर करने से पहले मुझे पूछ रही है कि क्या सोनल आप राइट शेयर लेना चाहते हो, ठीक है, मैंने बोला नहीं मैं नहीं लेना चाहती, मेरे पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो मैं अपना ये अधिकार राइट, मैं अपना ये राइट जो कंपनी मुझे दे रही है मैं आपके फेवर में रिनाउंस कर सकती हूँ, यानी मैं अपना ये राइट आपके फेवर में त्याग सकती हूँ, फ्री में नहीं, इसके बदले में मैं कुछ कंसिडरेशन आपसे ले लूँगी, और अब मेरी जगह पे कंपनी के राइट शेयर ये कौन खरीदेगा, आप खरीदोगे आदित्य। और कुछ डाउट और कुछ कंफ्यूजन? मैम आप जो मेरे शेयर में रिनाउंसिएशन, एक सेकेंड आदित्य का डाउट पहले ले लेते हैं, पूछ रहे थे कुछ, फिर शिवम मैं आई एम कमिंग टू यू। हाँ बोलिए आदित्य। मैम मैं कह रहा था कि अगर आप मेरे शेयर में रिनाउंसिएशन कर रहे हो तो मैं भी उस कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए? नहीं, आप कोई भी हो सकते हो, एक्स वाई जेड कोई भी। अच्छा। मेंबर, एग्जिस्टिंग मेंबर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा। ओके मैम, ठीक है। यस शिवम पूछे। मैम यही पूछ रहा था मैं भी। ठीक है ओके। दूसरा ऑप्शन या सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट शेयर नहीं देना चाहती है तो कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन है, एम्प्लॉयज अंडर ईसॉप। एम्प्लॉयज अंडर ईसॉप, अब ये ईसॉप क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हाँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और इसे एक जनरल कभी कभी ईसॉस भी कहा जाता है। ESOS stands for Employee Stock Option Scheme, ESOS भी कहा जाता है, Employee Stock Option Scheme, ठीक है। अब जब मैं Employee Stock Option Plan की बात कहूँ या मैं Employee Stock Option Scheme की बात कहूँ, इसका मतलब क्या, कंपनी के एम्प्लॉयज को स्टॉक, स्टॉक का मतलब कल हमने वापस रिपीट भी किया था मैंने आपको, जब नंबर ऑफ शेयर्स को एक वैल्यू में मर्ज किया जाता है तो क्या शेयर और स्टॉक में कोई बड़ा डिफरेंस है? नहीं। शेयर होल्डर जब आपके पास नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू वाले हैं तो मैं आपको शेयर होल्डर कह दूंगी, और आपके शेयर को अगर हमने वैल्यू में मर्ज कर दिया तो मैं आपको स्टॉक होल्डर कह दूंगी। तो कंपनी के एम्प्लॉई को स्टॉक देने का ऑप्शन, कंपनी के एम्प्लॉई के द्वारा स्टॉक खरीदने का ऑप्शन, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि I was working with my industry, तो क्या होता है कि जैसे कंपनी के की एम्प्लॉयज़ होते हैं, की एम्प्लॉयज़ होते हैं मतलब कंपनी चाहती है कि वो एम्प्लॉयज़ नौकरी छोड़ के नहीं जाएं, ठीक है, क्योंकि when you get into company और उस समय आप जब जाते हो तो वहाँ पे आप काम सीखते हो, 6-8 महीने, साल भर, 2 साल तक आप काम सीखते हो, जब 2 साल बाद आप काम सीख जाते हो तो इंडस्ट्रीज़ का बड़ा कॉमन फीचर है, एट्रिशन बहुत है, मतलब इधर से नौकरी छोड़ी, दूसरी जगह ज्वाइन कर ली, तो एम्प्लॉई कंपनी का इन्वेस्टमेंट होते हैं, जहाँ पे कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है, उनको तैयार करती है, तो क्या कंपनी चाहेगी बार बार कंपनी के एम्प्लॉई सफल हों? No, ma'am. क्योंकि नया बंदा आएगा तो वापस उतना पैसा इन्वेस्ट करके उसको काम सिखाना पड़ेगा, फिर वो 2 साल में तैयार होगा। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्या देती है? लॉलीपॉप, ठीक है, लालच, लालच लप लप लालच देती है। क्या लालच देती है उनको? ये लालच देती है कि एम्प्लॉई हम आपको कंपनी के शेयर खरीदने का ऑप्शन देते हैं। एम्प्लॉई बोलेगा तो आप क्या ऑप्शन देते हो, मैं तो बाजार से खरीद लूंगा, मार्केट से खरीद लूंगा, स्टॉक मार्केट से खरीद लूंगा। कंपनी ने बोला नहीं, एम्प्लॉई हम आपको एक फिक्स्ड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे शेयर खरीदने का ऑप्शन देते हैं, यानी कंपनी के की शेयर प्राइस कितनी भी बढ़ जाए उस बात से फर्क नहीं पड़ता, हमने आज आपको जो वादा कर दिया उस प्राइस पे आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। तो अब एम्प्लॉई को क्या लगता है, मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट में 2500 चल रही है, कंपनी उसे बोलती है कि आप ना कंपनी के शेयर 500 रुपये में खरीद सकते हो, एम्प्लॉई खुश होगा या नहीं होगा? खुश होगा एम्प्लॉई कि मार्केट से खरीदता तो 2500 का शेयर मिलता, कंपनी तो 500 रुपये में दे रही है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एम्प्लॉई ने बोला ठीक है। जैसे ही
एम्प्लॉई कंपनी के शेयर खरीदेगा, ये क्या बन जाएगा कंपनी का शेयर होल्डर, कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूटर। अब कंपनी के सुख दुख का ये साथी है या नहीं है? कंपनी, हाँ कंपनी ग्रो करेगी तो इसके भी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और कंपनी डाउन जाएगी तो इसके शेयर की भी वैल्यू डाउन जाएगी। तो शेयर होल्डर बनाने से इस व्यक्ति का कंपनी में इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक। हाँ, दूसरी और बात कि लेकिन लेकिन है ना, मन चंचल होता है, इधर उधर बहुत भटकता है, तो कंपनी ने उनको इसको क्या बोला? कंपनी ने एम्प्लॉय को बोला कि लॉलीपॉप ऐसे नहीं मिलेगी। लॉलीपॉप को क्या कर दिया? लॉक एंड की में बंद कर दिया, ताले में बंद कर दिया, ठीक है, ताले में बंद कर दिया और बोला थोड़ा सब्र रखो। मतलब एम्प्लॉई, हम तुमको क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर डेट पर ऑप्शन टू परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी, बट सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड। सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड मतलब बोले तुमको ये प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर में शेयर खरीदने का ऑप्शन 3 साल बाद मिलेगा। 3 साल बाद मिलेगा मतलब हम तुमको इसॉप तो आज ही दे रहे हैं, लेकिन इन इसॉप को तुम कन्वर्ट कब कर पाओगे? 3 साल बाद। 3 साल तक ये ऑप्शन जो है, ये ऑफर जो है, ये ताले में बंद कर दिया जाएगा। यानी कंपनी का इंटेंशन क्या है, इस लॉलीपॉप के चक्कर में, इस लालच के चक्कर में एम्प्लॉई कितने साल कंपनी में रुका रहेगा? 3 साल कंपनी में रुका रहेगा, और 3 साल के बाद कंपनी उसको क्या देगी, प्री डिटरमाइंड मार्केट प्राइस कुछ भी हो, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे शेयर खरीदने का ऑप्शन देगी। तब भी वो चाहे तो खरीदे चाहे तो ना खरीदे, बट लेकिन कंपनी ने उसको क्या दिया, फ्यूचर डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे शेयर खरीदने का ऑप्शन, बट इट इज सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड। ये लॉक इन पीरियड होगा, मिनिमम 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इससे ज़्यादा कंपनी जो चाहे कर सकती है। और ये ऑप्शन किसको दिया जाता है, कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। क्या हर एम्प्लॉय को? नहीं, कंपनी कैटेगरी डिसाइड करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, फिर जिन किसी को 10 साल हुए हैं कंपनी में, 15 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, इस तरीके से कंपनी कैटेगरी डिसाइड करती है और उनको इसॉप देती है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी कंपनी इसॉप में अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑफर करेगी तो उसे हम राइट शेयर की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी ऑफर दे सकती है या अपने एम्प्लॉयज को भी, ठीक है। तो आप ये नोट करिए, इसॉप का मैम बोलिए। यस बोलिए नितिन मैम, जैसे कि कंपनी जो है ये इनको फ्यूचर डेट पर ऑप्शन देती है, फिर क्या बोलते हैं कि अगर बाद में इन फ्यूचर अगर प्राइस गिर जाते हैं तो क्या होता है? इनका तो प्राइस डिटरमाइन है ना, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, उसका भी क्लॉज डाला जाता है। मतलब ये तो बहुत ही एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो गई, मतलब कंपनी, अच्छा ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें कंपनी अपना राइट रखती है, अपना एक रेंज डिसाइड करेगी, अपना राइट रखेगी। और ये ग्रोइंग कंपनी के केस में ही ऐसा होता है जब कंपनी इसॉप देती है, ठीक है। ओके मैम, बट मैम ये जो प्री डिटरमाइंड रेट होती है, और एक बात, और एक सेकंड आदित्य प्लीज होल्ड, नितिन अगर मान लीजिए प्राइस गिर गई तो लोग नहीं खरीदेंगे ना, फिर ऑप्शन ही तो है, फिर ऑप्शन ही तो है, फिर इसॉप को क्यों एक्साइज करेंगे, छोड़ देंगे, मार्केट से खरीद लेंगे। दिस इज अ ऑप्शन ना, प्री डिटरमाइंड पे फ्यूचर डेट पे शेयर खरीदने का ऑप्शन है, नहीं खरीदेंगे? यस मैम, ठीक है। यस आदित्य पूछिए।
नहीं मैम, मैं कंफर्म कर रहा था कि ये जो प्री डिटरमाइंड डेट होती है ये मार्केट प्राइस लो तो होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज फिर लॉलीपॉप नहीं हुई ना कोई, फिर कहाँ लालच हुआ। वही है मैम, सही है। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर डेट पे शेयर खरीदने का ऑप्शन, बट सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड। मैम, हाँ जी नितिन। जैसे अगर एम्प्लॉयज अगर 3 साल काम करते हैं उसके चक्कर में, तो उनको एम्प्लॉयज को कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। क्या फायदा, ये लालच आपको दिखा रहे हैं ना कि वो देखो 3 साल बाद तुमको मार्केट प्राइस पे मतलब मान लीजिए 3 साल बाद मार्केट में ये शेयर 2,500 से 3,000 पे ट्रेड होने लग जाएगा, लेकिन आपको तो 500 रुपये में मिल जाएगा। यही लालच अच्छा है भाई। एम्प्लॉय के लिए शेयर क्या है, तो इन्वेस्टमेंट है ना एम्प्लॉय के लिए। तो आज मैं और आप नहीं शेयर मैम, खरीदेंगे जैसे क्या? कि मैं इस तरीके से कह रहा था, जैसे मैम कि अगर मान लीजिए 3 साल अगर वो काम करता है और इन दैट केस फ्यूचर में अगर वो शेयर के प्राइसेस गिर जाते हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ ना मैम फिर एम्प्लॉय को। ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है ना। अगर फिर आप ये सोचो, आप ना एक एक प्रूडेंट एम्प्लॉई हो, आपको आप ही काम कर रहे हो कंपनी में, आप ये सोचो अगर आपको कम लग रहा है कि कंपनी ग्रोइंग है, आपको आपको लग रहा है कि कंपनी ग्रोइंग है, तो आप उसमें रुको, अदरवाइज छोड़ो ये शॉप विशॉप का चक्कर, दूसरी नौकरी ढूंढो। आप खुद सोचो, आज मैं मेरे यहाँ पे किसी एम्प्लॉय को कहती हूँ कि ठीक है आज मैं आपको इतना पैसा देती हूँ, 3 साल बाद मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगी, वो बोले 3 साल बाद आप ही नहीं रहो तो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, ठीक है सैलरी कम हो गई तो आपका बिजनेस बंद हो गया, तो दीज मे हैपन, दीज थिंग्स मे हैपन, लेकिन बिजनेस एक्यूमेन के हिसाब से सोचिए व्हाट एम्प्लॉय वुड थिंक और व्हाट बिजनेस वुड थिंक। क्या ये सोचेंगे नीचे जाएंगे या ये सोचेंगे बढ़ेंगे? ना बढ़ेंगे यही बढ़ेंगे सोचेंगे। बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कुछ नेगेटिव होता है तो वो होगा, वो होगा, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ बिजनेस, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये कोई गारंटी नहीं होती है एम्प्लॉय को कि कुछ गड़बड़ हो गई तो ले तुमको इतना तो दे ही देंगे, नहीं ओके मैम, है ना। दिस दैट्स वाई इट इज ऑप्शन, इट इज स्कीम, ओके मैम। है ना। हाँ ठीक है, चलो। तो या अब एक और बात, जब भी कंपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ईसॉप में ये राइट शेयर दे रही है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और कोई कंडीशन है वो प्रिस्क्राइब होंगी, वो पूरी करनी पड़ेगी। और जब भी एसआर पास होगा MGT 14, 30 डेज में आरओसी को विद कॉपी ऑफ एसआर ये देनी पड़ेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर ऑफर करते समय कोई झंझट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज को ईसॉप में राइट शेयर देते समय आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी कैटेगरी, कोई पर्सन अदर देन ए और बी, अदर देन ए और बी मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर भी नहीं और ईसॉप वाले एम्प्लॉयज भी नहीं, इनके अलावा अगर कंपनी किसी और को शेयर ऑफर करती है, वो कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी के क्रेडिटर हो सकते हैं, वॉट एवर, तो उन्हें भी हम राइट शेयर का दर्जा ही देंगे और इसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। और जब कंपनी ईसॉप में जो एम्प्लॉयज हैं या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनके अलावा अगर किसी को कंपनी राइट शेयर ऑफर करती है तो एसआर पास करना पड़ेगा, और कंसिडरेशन कैश में भी आ सकता है और अदर देन कैश भी आ सकता है। इसका मतलब क्या राइट शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं? नहीं, राइट शेयर के बदले में कंसिडरेशन होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये कंपनी में राइट शेयर की फॉर्मेलिटी कौन पूरी करेगा, ये सारे तामझाम किसको कंप्लाई करने हैं, कंप्लायंस किसको करनी है? बीओडी को, बीओडी, बीओडी को। ठीक है। अब कंपनी ये कहती है कि हम ना डायरेक्टर्स को राइट शेयर देंगे, किसको देंगे?
डायरेक्टर्स को राइट शेयर देंगे, वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, वो एम्प्लॉय भी नहीं है कंपनी के, हम उनको राइट शेयर देंगे और ये कैटेगरी सी में आएगा, एनी अदर एनी पर्सन अदर देन क्लॉज ए और बी। लेकिन डायरेक्टर को जिस प्राइस में राइट शेयर दिए जा रहे हैं उसमें गोलमाल हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि देने वाले भी वही और करने वाले भी वही हो सकता है। तो बोला कि जब भी आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई अंडर ईसॉप या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के अलावा किसी को भी राइट शेयर ऑफर करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से शेयर की एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। मतलब आप किस वैल्यू पे, किस प्राइस पे राइट शेयर्स दे रहे हो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक वैल्यूएशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर से क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पढ़ लीजिए सी। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम ये रजिस्टर ऑफ वैल्यू और सब्जेक्ट आरओसी को देना पड़ेगा क्या? नहीं, कंपनी को अपने एंड पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा के रखनी पड़ेगी कि भाई अगर हम 500 रुपए में, 1000 रुपए में अगर एनी अदर पर्सन को राइट शेयर दे रहे हैं तो वो प्राइस ना तो कम है ना ज़्यादा है, वो जेन्युइन प्राइस है। अदरवाइज डायरेक्टर क्या करेंगे, सस्ते से सस्ता राइट शेयर खुद ले लेंगे ना, क्योंकि कंप्लायंस उन्हें ही करनी है। या किसी क्रेडिटर को आप राइट शेयर दे रहे हो तो फिर वहां भी गोलमाल कर लेंगे। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। ओके मैम, ठीक है। एक्सेप्शन टू सेक्शन 62, इसका मतलब जब कंपनी फर्दर शेयर इशू करेगी बट इट इज नॉट कंसीडर्ड एज राइट शेयर। मैंने क्या बोला, जब भी कंपनी फर्दर शेयर इशू करे और सब्सक्राइब कैपिटल बढ़े और इन तीनों में से किसी कैटेगरी को दिया जाए तो वो राइट शेयर है। लेकिन कभी कभी कंपनी फर्दर शेयर्स इशू करती है, सब्सक्राइब कैपिटल भी बढ़ती है, लेकिन उसे राइट शेयर नहीं कहा जाता। ठीक है, क्या बोला, रिफ्यूज़ल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। रिफ्यूज़ल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जैसे मान लीजिए कंपनी ने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट ऑफर दिया, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, नहीं हम तो नहीं ले रहे, ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, उसको जैसे चाहे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो ना मुझे दे दिए शेयर्स, ठीक है, तो जब मुझे शेयर देंगे तो वो राइट शेयर नहीं कहलाएगा। फर्दर शेयर इशू हो रहे हैं, सब्सक्राइब कैपिटल भी बढ़ रही है, लेकिन मुझे शेयर क्यों मिले, क्योंकि जिन लोगों को कंपनी ने राइट शेयर इशू किया था उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ने रिफ्यूज कर दिया, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो शेयर मुझे दे दिए, तो अब ये राइट शेयर नहीं कहलाएंगे। क्लियर? ओके मैम। कभी कभी आपने सुना होगा कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर को जी मैम पैसे की जगह इक्विटी शेयर दिए जाते हैं, या कभी कभी कोई लोन होता है उस लोन की जगह शेयर्स दे दिए जाते हैं। अगर किसी डिबेंचर या लोन के कन्वर्जन के कारण कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो ये राइट शेयर नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। यानी अगर कंपनी लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रही है या डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रही है तो शेयर इशू हो रहे हैं, सब्सक्राइब कैपिटल भी बढ़ रही है, बट इसे राइट शेयर नहीं कहेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने किसी से लोन लेके रखा है और कंपनी लोन नहीं पे कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करके ऑर्डर देती है कि आप लोन का पैसा नहीं दे सकते ना, तो इन क्रेडिटर्स को राइट शेयर दे दो, सॉरी इन क्रेडिटर्स को शेयर इशू कर दो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण अगर कंपनी ने डिबेंचर या लोन को शेयर्स में कन्वर्ट किया तो शेयर इशू हो रहे हैं, सब्सक्राइब कैपिटल भी बढ़ेगी,
लेकिन उसे हम राइट शेयर नहीं कहेंगे। इन तीनों पॉइंट में किसी को डाउट है तो बोलिए। मैं फर्स्ट वाला समझाता हूँ, आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हो, कंपनी ने आपको राइट ऑफर दिया, आपके घर पे नोटिस भेजा, आपने मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं ले रही हूँ राइट शेयर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके रिफ्यूजल पे वो राइट शेयर किसी को भी दे सकते हैं, वो शेयर किसी को भी। देखिए आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपको मिल रहा था, इसीलिए क्या कहलाया था, राइट शेयर, आपने मना कर दिया, अब मेरे को दे दिया, मैं कंपनी की प्रिफरेंस शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे दिया गया शेयर राइट शेयर नहीं कहलाएगा, क्योंकि राइट शेयर तो किसको था, ऑफ किसको देने पे राइट शेयर बना था, वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके मैम, ठीक है। आपने कभी सुना है जब कंपनी, जब कोई व्यक्ति कॉल का पेमेंट नहीं करता है कोई शेयर होल्डर, तो कंपनी उसके शेयर फोरफिट कर लेती है, सुना है? यस मैम, यस मैम। और फोरफिटेड शेयर को क्या किया जाता है फिर? री इशू नहीं है, करना चाहे कंपनी कर सकती है। तो जब फोरफिटेड शेयर को री इशू किया जाएगा, तो फर्दर शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, मतलब कंपनी फर्दर मतलब और शेयर इशू कर रही है, री इशू कर रही है फोरफिटेड शेयर को, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी बढ़ेगी, बट इसको राइट इशू नहीं कहा जाएगा। फोरफिटेड शेयर को री इशू, नेटवर्क एरर आ रहा है, आवाज रुक के आ रही मैम। यस मैम, जी एक मिनट रुकिए। अभी बताओ, अभी ओके है क्या? यस मैम, ओके। तो फोरफिटेड शेयर को रीइशू करना भी राइट इशू नहीं कहलाता, ठीक। अगली बात, मैंने अभी आपको क्या बोला, राइट ऑफ मैम, यस यस मैम, फिर ये फॉरफिटेड शेयर के आगे ये क्या लिखा हुआ है, डज नॉट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये इसलिए लिखा हुआ है, जब भी कंपनी राइट शेयर दे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, दे एम्प्लॉइज अंडर इसॉप दे, या किसी एनी अदर पर्सन को। आ रहा है आपका, अभी भी आ रहा है मैम, नेट अभी शो। यस मैम, आई एम ट्राइंग, अभी अभी ठीक है? यस मैम, जब भी कंपनी राइट शेयर देती है ना, तो इसे फ्रेश अलॉटमेंट माना जाता है, मतलब फर्दर शेयर इशू कर रही है। हमने अगर तीन कैटेगरी में दिया, तो हमने उन फर्दर शेयर्स को राइट शेयर कह दिया, और इसे फ्रेश अलॉटमेंट माना जाता है, लेकिन फोरफिटेड शेयर के री इशू को फ्रेश अलॉटमेंट नहीं माना जाता है। डज नॉट अमाउंट अलॉटमेंट मतलब फ्रेश अलॉटमेंट नहीं माना जाता है, ये मतलब है इसका। ओके, ठीक है। राइट ऑफ रिनंसिएशन, शेयर होल्डर्स को मैंने अभी बोला, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब राइट ऑफर दिए जाते हैं, तो उनको राइट होता है अपने शेयर रिनाउंस करने का इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है। मैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मैंने अपने राइट शेयर को मिस्टर एक्स के फेवर में रिनाउंस किया, मिस्टर एक्स इसे फर्दर रिनाउंस नहीं कर सकते, मिस्टर एक्स इसे फर्दर रिनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि राइट ऑफ रिनंसिएशन केवल किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। तो जिसके फेवर में मैंने रिनाउंस किया राइट, वो उसे फर्दर रिनाउंस नहीं कर सकता। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि कंपनी राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं देगी, तो फिर कंपनी राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं दे सकती है, ठीक है। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला कि मैंने आपके फेवर में राइट रिनाउंस किया है, तो आप इसे फर्दर रिनाउंस नहीं कर सकते हो। और अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं देना है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, नहीं मिलेगा, मतलब या तो मैं खरीदूं या मना करूं, मैं अपने फिर राइट दूसरे के फेवर में रिनाउंस नहीं कर सकती, ठीक है। एंड ये राइट शेयर का अधिकार एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट ऑफर
नहीं दिया जाता है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन पर मैम अभी तो आपने बताया कि ये राइट अभी इम्प्लॉयज को ही मिल चुका है, फिर कोई अदर पर्सन को भी अपन दे सकते हैं। हाँ, पर अगर कौन से शेयर होल्डर को मिलेगा वो बात है, केवल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ओके मैम, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आज का कंटेंट था, बाकी रिमेनिंग हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कुछ पूछना है किसी को? और एक डाउट हाँ बोलिए, बोलिए देवेंद्र।